क्या आप एक नट को बिना छुए हुए खोल सकते हैं? इसके लिए आपको विज्ञान के जादू की जरूरत है। देखिए कितनी आसानी से आपने इसे खोल दिया। आपको चाहिए कोई भी कंपन करने वाली मशीन, जैसे कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश हो या इलेक्ट्रिक रेजर। जब आप दबाते हैं तो ये कंपन चालू कर देता है आपको, और ये बटन दबा के बंद कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये ब्रश के दांत गोल घूम रहे हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही तेज गति से कंपन कर रहे हैं। एक बोर्ड लीजिए, उस पे नट बीच तक ले आइए। ये नट थोड़ा ढीला होना चाहिए। और अब जादू चालू। टूथब्रश को लेकर अगर आप उसके दांत बोल्ट पर लगाते हैं तो नट अपने आप घूमना चालू कर देता है और गिर जाता है। इसको आपको नट को छूने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर ब्रश को दूसरी तरफ लगाते हैं तो नट दूसरी तरफ आना चालू कर देता है। ध्यान रहे कि आपको बोल्ट को एक कोने से पकड़ना पड़ेगा। बोल्ट को यदि हम ब्रश के ऊपर रखते हैं तो देखिए नट कैसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की तरफ चलने लग जाता है। इसका विज्ञान थोड़ा क्लिष्ट है। कंपन करता हुआ जो ब्रश बोल्ट में कंपन पैदा करता है और घर्षण के कारण ये नट गोल घूमने लग जाता है। यही चीज आप एक रेजर से भी कर सकते हैं। ये बिजली का रेजर है जो देखिए काफी तेज गति से कंपन कर रहा है। अगर इसी रेजर को आप बोल्ट के बीच में रखें और पुनः बोल्ट को एक कोने से पकड़ें तो देखिए नट वापस से ऊपर की तरफ अपने आप चलने लग जाता है। अगर आप रेजर को थोड़ा उल्टा पकड़ेंगे या दूसरी दिशा में रखेंगे तो नट नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। तो है ना ये अद्भुत खिलौना, कैसे हम बिना छुए हुए नट को बाहर निकाल सकते हैं। तो मजा लीजिए बच्चों की तरह।